वो एक टकराव नहीं आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी में यूटी का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अपने स्वतंत्र निर्णय होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है। तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय उस सीटें ज़्यादा होती थी, उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था, विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डीट लिमिटेशन के कारण से, तो हरियाणा विधानसभा नई बननी बननी है, तो नई विधानसभा के लिए जमीन की आवश्यकता है, और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को मुँह को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो जमीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज़्यादा जमीन दी जा रही है उनको, तो ये एक कमर्शियल एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है, इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं वो उचित नहीं है। और मैंने तो पंजाब के लोगों को भी कहा कि उनकी भी अगर कोई आवश्यकता है ऐसा अरेंजमेंट वो भी कर सकते हैं, कोई चंडीगढ़ में उनको जमीन कहीं और चाहिए, बदले में वो मोहाली में अथवा अडलानी पंजाब में कहीं भी जमीन दे करके बदल करना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे सिस्टम समय समय पर पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी।